सरो का। पीएम मोदी ने किया रोड शो, रैली को संबोधित करते हुए दिया नारा, मैंने ये गुजरात बनाया है। पंजाब में हिंदूवादी नेता की हुई हत्या, राष्ट्रीय सचिव ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। औरैया में निःशुल्क नेत्र शिविर का सांसद ने किया शुभारंभ, शिविर में आने वाले मरीजों को मिलेगा लाभ। शाहजहांपुर में प्रकाशोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा, श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में लिया हिस्सा। प्रतापगढ़ में शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी ने दी जानकारी, जल्द मिलेगा शिक्षकों का वेतन। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर आम जनमानस को सुरक्षा का भरोसा दिलाया, साथ ही चौराहों पर भीड़ लगाने वाले लोगों से पूछताछ भी की। प्रतापगढ़ में विधान परिषद में शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी ने पत्रकारों से बात की। इस बातचीत में उन्होंने शिक्षकों को आश्वासन दिया कि उनका वेतन जल्द ही दिया जाएगा। साथ ही शिक्षक एमएलसी ने कहा कि शासन द्वारा सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया जा चुका है कि जब तक कोई नया आदेश नहीं आ जाता तब तक शिक्षकों को उनका वेतन दिया जाए। कानपुर के रोनिल हत्याकांड में 7 दिन बाद भी पुलिस हत्याकांड का खुलासा नहीं कर सकी है। मृतक छात्र के परिजन न्याय के लिए विधानसभा अध्यक्ष के घर पहुंचे और पुलिस पर जांच में लापरवाही का आरोप लगाया। इसके साथ ही जल्द हत्याकांड का खुलासा करने की मांग की है। विधानसभा अध्यक्ष ने हत्याकांड को लेकर पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात की और एक सप्ताह बाद भी हत्याकांड का खुलासा नहीं होने पर नाराजगी जताई। बता दें, पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। विधानसभा अध्यक्ष ने हत्याकांड को लेकर पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात की और एक सप्ताह बाद भी हत्याकांड का खुलासा नहीं होने पर नाराजगी जताई। के साथ ही जल्द हत्याकांड के खुलासा करने की बात कही गई है। बता दें, छात्र के परिजन न्याय के लिए विधानसभा अध्यक्ष के घर पहुंचे और पुलिस पर जांच में लापरवाही का आरोप लगाया। औरैया में कस्बा स्थित डॉक्टर आर के दीक्षित के क्लिनिक पर आज क्षेत्रीय सांसद सुब्रत पाठक ने निःशुल्क क्षेत्र शिविर का शुभारंभ किया। शिव विजन केयर सेंटर के संचालक रजत पोरवाल ने बताया कि निःशुल्क नेत्र शिविर के शुरू होने से मरीजों को काफी लाभ मिलेगा और आंखों के इलाज के लिए भी मरीजों को दूसरे जिले में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।
पंजाब में हिंदूवादी नेता की हत्या के विरोध में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव व राष्ट्रपति को पत्र लिखा, साथ ही मामले में सीबीआई जांच की मांग की। दरअसल गांधी पार्क क्षेत्र के नौरंगाबाद स्थित विदास कंपाउंड अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यालय पर नेता सुधीर सूरी की निर्मम हत्या के विरोध में लोगों ने जांच की मांग करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। अमृतसर में जिस तरह से सुधीर सूरी जी जो हमारे हिंदूवादी नेता थे उनकी सरेआम हत्या की गई, वो मंदिर में मूर्तियों के तोड़े जाने के विरोध में धरना दे रहे थे। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि आज भारत में हिंदू अल्पसंख्यक की स्थिति में जा रहा है और जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है, उनकी हत्याएँ की जा रही हैं। इसके लिए हमने आज महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिख करके ये मांग की है कि जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ पर CRPF कैंप लगा करके हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता की। कासगंज के गंज डुंडवारा के मोहल्ला घासी में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर मृतका के मायके वाले भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर उनकी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ घटना की सूचना पर गंज डुंडवारा CO और इंस्पेक्टर हरिभान सिंह राठौर भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। इसी के साथ फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। मांगना शुरू कर दी 4 महीने के बाद, अभी 1 महीने पहले विदा की, उसके बाद ये आए कि अब कुछ नहीं होगा। फिर लड़ाई झगड़े होने लगे, मामले पीटने लगे और उन्होंने कहा कि जब तक गाड़ी नहीं देंगे तब तक मैं तुझे नहीं रखूंगा। 3 दिन बाद हम यहाँ आए, 3 दिन पहले आए थे, बातचीत हुई उनके बाप से, लड़के से, सबसे, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, जब तक आप गाड़ी नहीं देंगे तो हमने कि हमारे पास नहीं है और इंतजाम हो जाएगा तो हम आगे देंगे। लखीमपुर खीरी के मितौली थाना क्षेत्र के खुर्दा गांव से रास्ते में जलभराव को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। गांव में एक पक्ष के घर पर गंदा पानी जमा हो जाता था और पानी बहाने को लेकर शिकायत की गई तो दूसरे पक्ष ने अभद्रता शुरू कर दी। वहीं दोनों पक्षों की मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हरदोई के सांडी इलाके में कटरा बिलहौर हाईवे पर एक बाइक सवार दंपत्ति को तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पति पत्नी दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है। शाहजहांपुर में सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष में टंकी रोड से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। गुरु महाराज की सवारी एक रथ को फूलों से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने सड़क पर सफाई कर फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेक कर अपनी आस्था प्रकट की। सुल्तानपुर में भारत विकास परिषद के बैनर तले प्रांतीय स्तर पर आयोजित भारत जानो क्विज प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में नगर के कई स्कूलों के छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि निशा जायसवाल ने पहुंचकर क्विज प्रतियोगिता के प्रतिभागियों से मुलाकात कर उनका हौसला अफजाई की। इसके अलावा शामिल हुए प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। ये छत्री भवन सुल्तानपुर में कार्यक्रम हो रहा है, प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता है भारत जानो, उसी कार्यक्रम यहाँ पे आज हो रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और लगभग कितने सालों से कर रहे हैं, क्या किस तरीके सम्मानित करते हैं? कार्यक्रम विगत करीब 40 वर्षों से हो रहा है
और इसका उद्देश्य ये है कि लोग भारत के बारे में जाने, हमारी संस्कृति के विषय में बच्चों को ज्ञान हो। और हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए हैं और इसमें जो सही उत्तर होने पर लोगों को सम्मानित किया जाता है। प्रांत की अध्यक्ष, आज किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, बच्चों को सम्मानित करने का क्या उद्देश्य, किस कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं? भारत विकास परिषद बच्चों में राष्ट्रीय भावना और संस्कार के तथा हमारे जो इतिहास को हमें तोड़ मरोड़ के पढ़ाया गया उसको सही तरीके से जानने के लिए एक प्रतियोगिता कराती है भारत जानो की, जिसमें भारत विकास परिषद अपनी पुस्तक निकालती है, वो बच्चों के माध्यम से हम लोग विद्यालयों में जाके सभी शाखाएं और प्रतियोगिता कराते हैं। उसी का आज ये प्रांतीय स्तर की प्रश्न मंच प्रतियोगिता है। इसमें जैसे धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, हमारे भौगोलिक और वैज्ञानिक सारे क्षेत्रों से प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं, बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं और प्रयाग प्रांत में हमारे 15 शाखा। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।